वाराणसी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह 4 दिवसीय सम्मेलन G20 के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं की प्रतिभा को पीएम मोदी ने मंच दिया है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया का मंत्र दिया। भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज दुनिया भर के सामने फिर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि G20 दुनिया भर के युवाओं की ऊर्जा का संस्कारात्मक प्रयोग विश्व मानवता के लिए हो। Y20 का समिट दुनिया भर के युवाओं को प्रेरणा देगा। मुझे उस समय को लेकर दुख होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को एक नई दिशा ना दी हो। प्राचीन काल से भारत को देखिए, जानिए। हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम याद आते हैं। CM ने कहा कि वाराणसी भारत की आध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य की नगरी है। यह हमारा सौभाग्य है कि बनारस UP की प्रमुख नगरी में है। यह कला, संगीत, शिक्षा की नगरी है, भारत के हृदय स्थल के रूप में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया था। भारत में 140 करोड़ की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में है। देश G20 का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास वीरों और पराक्रम से भरा है। खूब लड़ी मर्दानी कहलाने वाली लक्ष्मीबाई इसी काशी की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। भारत के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां भी युवा थे। वीर अभिमन्यु भी युवा थे, जिन्होंने युद्ध में वीरता का परचम लहराया। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संबोधन से पहले CM योगी और मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्क्रीन पर G20 का प्रेजेंटेशन देखा। 4 दिवसीय सत्रों में डेलीगेट्स को देश, काशी की संस्कृति, इतिहास से जोड़ा जाएगा। भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में Y20 सम्मेलन में G20 देशों के करीब 125 यूथ डेलीगेट्स कार्यक्रम में भाग लेंगे। युवा शिखर सम्मेलन 2023 में मुख्य 5 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें कार्य का भविष्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित पूरे युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना और साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा स्वास्थ्य, भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा होगा। श्री योगी आदित्यनाथ जी ऑन द Y20 समिट।
It is a pleasure to be here amongst you all today to address at the annual, at the inaugural session of the Y20 Summit at Varanasi. Today we all have gathered here at this distinguished gathering of the global leaders, the Y20 Summit 2023. As India celebrates the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of independence, we also have the privilege to host the G20 Summit.